तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअल, और कमर्शियल का मतलब होता है एवरेज। ये कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मली होता क्या है, जनरली मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रक है और जो ये ट्रक है ये खाली तो नहीं जाएगा, इसके अंदर सामान भी जाएगा। पहले क्या जाता था बस में, पैसेंजर, तो हम निकालते क्या थे, पैसेंजर किलोमीटर। लेकिन अब क्या है, ये ट्रक, तो ट्रक के अंदर क्या होगा, सामान, और सामान को हम जो मेजर करते हैं ना वो टन के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना, टन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कई जगह पे जहाँ जिसे हम बोलते हैं ना धर्म काटा, सुना है नाम धर्म काटा, धर्म काटा का मतलब क्या होता है, वहाँ पूरा का पूरा ट्रक तुल जाता है जमीन पे। देखोगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ फ्रिक्वेंटली काम होता है ना, तो ज़मीन पे पूरा बनाया होता है ट्रक, वहाँ पे खड़ा होता है, वो वेट करके फिर फटाफट ट्रक वहाँ से क्या होता है, हट जाता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला वो चार्जेस तो लेगा, तो वो चार्जेस 1 किलो पे कितना चार्ज करें वो सिखाया गया है हमें। लेकिन इसके अंदर समस्या है, दो है, एक तो एक्चुअल के हिसाब से और एक एवरेज के हिसाब से। टोटली डिपेंड ऑन के वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो कैसे चार्ज करता है। दोनों के अंदर पैसा अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट आता है, और वो चलाकी क्या करते हैं, इससे भी कैलकुलेट करेंगे, इससे भी कैलकुलेट करेंगे। जो ज़्यादा आएगा बोलेगा हम तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कौन, ट्रांसपोर्टेशन वाला। अब होता क्या है जनरली, ये ट्रक जाएगा भर के सामान, और जब वापसी आएगा तो हो सकता है खाली आए, और एक जगह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेगा, दिल्ली मुंबई पुणे हर जगह से घूमता हुआ जाएगा और वहाँ से खाली आएगा। तो आप बताओ जब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है तो जब खाली आता है क्या उसका भी किराया वसूला जाता है? बिल्कुल। आप कभी ऑटो कहीं करना, जहाँ पे कभी नहीं जाता ऑटो वगैरह, बोला चलो भैया थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, तो वो आपसे पता है किराया कौन सा लेगा, जाने का भी, और बोलेगा जी उधर से तो खाली आना है, वो भी तो आप ही दोगे ना, तो वो आने का, हाँ थोड़ा कम ले लेगा वो, यही रहती है कहानी। तो एब्सोल्यूट का मतलब, मैंने आपसे सिंपल सी बात बोला कि मेरा 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, और 100 टन लेके जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 10 किलोमीटर डिस्टेंस है 100 टन लेके जाओगे, तो हो गया आपका 1000, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, कितने टन किलोमीटर हो गया ये, 1000 टन किलोमीटर। फिर यहाँ से फिर से मान लेते हैं 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब 20 किलोमीटर लेके जाएंगे, फिर से कितने हो गए, कितने हो गए, 50 × 20 1000 ही हो गए ना। तो यानी मैं अगर पूछूं आपसे एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर, तो पता है कैसे बताओगे, जी 1000 यहाँ का डिस्टेंस और 1000 यहाँ का, तो 2000 हो गए। ये इसके कैलकुलेशन है। दूसरे वाले का कमर्शियल 10 किलोमीटर का कैसे कैलकुलेशन होगा, एवरेज करो, एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस देखो, ये कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है ना, और ये कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर बताया था, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, कितने आ गए, 15। उसने क्या करा, डिस्टेंस को एवरेज कर लिया, डिस्टेंस को जैसे ही उसने एवरेज करा, और उसके बाद डिस्टेंस नहीं, हम सामान को एवरेज करेंगे, कितना जा रहा है, 100 और 150 है ना, 150 है, तो उसको एक तरीके से हम एवरेज करके, अभी क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन ही मिल जाएगा, एवरेज करके निकाल लेंगे। आप हमेशा याद रखना सेम क्वेश्चन, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर और कमर्शियल 10 किलोमीटर में क्या आएगा, आंसर हमेशा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, छोटा सा, तो उसी के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके बुक में एक क्वेश्चन गिवन है 10.2, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी स्टार्टिंग में बीकॉम ऑनर्स में गिवन था, कुछ बच्चे का डाउट आया था ये क्वेश्चन करना कैसे है, तो इसलिए हमने ये देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, सबसे पहले तो देख लेते हैं, कहता है आ ट्रक स्टार्ट विद लोड 10 टन्स ऑफ गुड्स। एक ट्रक स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से आगे जा रहा है ये,
और इसने लोड कितना किया, लोड का मतलब समझ रहे हो, सामान कितना रखा इसने, 10 टन ऑफ गुड्स फ्रॉम पी, स्टेशन पी है और ये पी स्टेशन मान लेते हैं, ठीक है, एंड अनलोड 4 टन एट स्टेशन क्यू, एक स्टेशन क्यू आया, यहां पे 4 टन खाली कर दिए, 4 टन अनलोड, ठीक है, 10 टन लेके चला और आगे जाके उसने 4 टन क्या कर दिए, खाली। तो इसका मतलब इससे आगे जब जाएगा क्यू स्टेशन से आगे तो कितने टन लेके चलेगा, 6 टन लेके चलेगा। आगे कहता है इट अनलोड टन स्टेशन क्यू एंड रेस्ट ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर, रेस्ट ऑफ गुड्स, और ये धीरे धीरे चलते चलते कहां तक पहुंचा, यानी 3 स्टेशन है। तो अब यहां से यहां तक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 10 टन चला है और यहां से यहां तक 6 टन लेके चल रहा है। अब डिस्टेंस देख लेते हैं क्या कहते हैं, डिस्टेंस में कहता है, इट रीच बैक डायरेक्टली टू पी आफ्टर गेटिंग रीलोडिंग 8 टन ऑफ गुड्स आर। कहता है भाई यहां से जैसे ये आया इसने यहां से 8 टन लोड किया और डायरेक्ट आ रहा है, कोई घूमा फिरा नहीं और डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना, घूमा फिरा के मतलब के सीधे रास्ते से आया ये। अब डिस्टेंस की ये बात करता है, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू और क्यू टू आर एंड आर टू पी, यानी यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या देता है, ये 40 किलोमीटर और ये, और यहां से यहां तक 80। कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है सर गए तो 100 किलोमीटर था, है ना, और आए तो कितने किलोमीटर है, 80, क्योंकि रास्ते का फर्क होता है ना, घूम फिर के आया या कोई डायरेक्ट रूट ले लिया तो होता है। आप जैसे मान लो दिल्ली में रहते हो, आप यहाँ पीतमपुरा में रह रहे हो, तो पीतमपुरा में आपको मान लेते हैं सीपी जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, कोई 13 किलोमीटर पड़ेगा, कोई 15 भी पड़ सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले बोला गया आपको निकालना है क्या, एब्सोल्यूट किलोमीटर, और फिर क्या निकालना है आपको, तो एब्सोल्यूट तो बनता कैसे, सबसे पहले एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट होता है एक्चुअल। एक्चुअल कैसे भाई, यहां से 10 टन चला 40 किलोमीटर तो टोटल 400, फिर यहां से कितना टन चला, 6 टन, कितने किलोमीटर, 60, कितने हो गए 360, उसके बाद वापसी आया कितने, 80 किलोमीटर, कितने टन लेके 8, कितने हो गए 640। तो ये एक्चुअल तो हमारा जो चला है सबको जोड़ देंगे, कितने बन रहे हैं 1400, पहला आंसर डन। दूसरा फिर निकालेंगे हम कमर्शियल, देखिए यानी जैसे जैसे था जैसे जैसे गया उसके हिसाब से हमने निकाल लिया, बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, कमर्शियल टन किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने किलोमीटर है और जितने टन है हमें करना है, टन को एवरेज कर लेना है और इनटू में किलोमीटर। तो सबसे पहले टन का एवरेज निकाले, तो कितने किलो टन का एवरेज निकालेंगे, तो 10 + 6 + 6 + डिवाइडेड बाय 3 डिजिट है ये, ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 8 आ गया। अब इनटू में किलोमीटर करो, किलोमीटर कितने हैं, 100 जाना 80 आना, तो आपका 40 + 60 + 80 यानी 180। अब निकालेंगे टोटल टन किलोमीटर या कमर्शियल टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर ये आ जाएगा जी 8 × 180 कितने आ गए, बताओ 1400। तो देखो दो, एक ही क्वेश्चन किया हमने,
दो तरीके से किया, लेकिन आंसर क्या है दोनों का? अलग अलग। तो जो सामने वाला जो डीलर होता है ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला, वो आपको यही बोलेगा ऐसे करवा लो तो लवा लो आप। वो दोनों ऑप्शन देते हैं आपको, ऐसे करवा लो या ऐसे करवा लो। अगर जो जिनको पता नहीं है तो वो थोड़ा घुमा के वो उनको ये वाला मेथड बता के और ज़्यादा पैसे ले लेते हैं वो, ठीक है। तो वो बोलता है भाई जितना सामान हम दो तरीके से तोलते हैं, या तो कमर्शियल टन किलोमीटर लेके चलो आप, या फिर लेके चलो एब्सोल्यूट जितना लग रहा है उतना दे दो आप। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार ये ज़्यादा, कई बार ये ज़्यादा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा यही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो नोट करिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। और जिन बच्चों का डाउट है, ये इलस्ट्रेशन नंबर है 2। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है बस स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, तो बस पॉइंट लिख लो, दिल्ली को डी बना दिया। स्टार्ट होता है मसूरी विथ 50 पैसेंजर्स, दिल्ली से जाता है मसूरी, चले और मसूरी पे पहुंचे, और यहां पे पैसेंजर जो है वो 50 है, और 20 पैसेंजर गॉट ऑफ देहरादून। जब मसूरी जाता है, कहता है पैसेंजर मसूरी 50 एंड 20 पैसेंजर गॉट ऑफ देहरादून, बस प्रोसीड्स विद द रिमेन पैसेंजर, और फिर आगे जाता है मसूरी। अब सबसे पहले तो ये बताओ, अभी देख लेते हैं, देहरादून बस प्रोसीड्स रिमेनिंग पैसेंजर, देहरादून से वो रिमेनिंग लेके चलता है। इन द इवनिंग सेम बस लेफ्ट मसूरी विथ 50 पैसेंजर, और वो छोड़ देता है पैसेंजर को, और 10 पैसेंजर गॉट ऑफ देहरादून एंड बस रिमेन रिज्यूम जर्निंग। डिस्टेंस दे रखा है पहले, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू देहरादून 280, और बिटवीन देहरादून टू, यानी बीच में देहरादून है ना, कुछ ऐसे है, यहां से यहां डिस्टेंस बताइए 280, और यहां से यहां बस 20 किलोमीटर, ठीक है। यहां से 50 पैसेंजर चला, और यहां पे कितने उतार दिए, 20 यहां पे उतार दिए जी, 20 माइनस कर दिए, तो अब कितने लेके चल रहा है, ये अब लेके चल रहा है 30, ठीक है। अब वापसी की बात करते हैं, अब ना वापसी रिटर्न की बात करते हैं। कहता है इन द इवनिंग बस लेफ्ट मसूरी, मसूरी पहुंच चुका है विथ 50 पैसेंजर, वहां से लेता है, यहां से फिर उसने 50 पैसेंजर लिए, और 50 पैसेंजर लेते ही फिर से आया वापसी कहां पे, देहरादून, और यहां पे कितने पैसेंजर को उतार दिए, कहता है 10 पैसेंजर गॉट ऑफ एट देहरादून, 10 को इसने उतार दिया माइनस, बाकी फिर कहां ले आया, ये दिल्ली ले आया, कितने 40, ठीक है। आगे कहता है ये डिस्टेंस दे दिया, कंप्यूट द कॉस्ट पैसेंजर पर किलोमीटर, अगर हमारा टोटल कॉस्ट रनिंग 5000 है, अगर 5000 है तो बताइए। तो सबसे पहली बात, हमारा क्वेश्चन क्या था, हम क्या निकालते थे, रनिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल करते थे और उसको डिवाइड कर देते थे पैसेंजर किलोमीटर से। नाउ हमारे पास कॉस्ट तो है, तो रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालना चाहिए यहाँ, पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं दिल्ली टू देहरादून, तो 50 पैसेंजर इंटू में 280 प्लस देहरादून टू मसूरी, कितने 30 पैसेंजर और 20 किलोमीटर, ये पैसेंजर किलोमीटर निकाल रहा हूँ। फिर आएंगे हम मसूरी टू देहरादून, कितने पैसेंजर 50 पैसेंजर और कितने किलोमीटर, किलोमीटर तो वही रहेगा ना 20। इसके बाद फिर देहरादून टू दिल्ली आ गए वापस, कितने पैसेंजर 40 और कितने किलोमीटर 280। अब बता दो कैलकुलेट करके, 50 × 280 14000, 30 × 20 600,
50 इंटू 20 1000, 280 इंटू 40 11200 टोटल कर देते हैं, प्लस 14600 1000, ये आ गया 26800। टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकल गया हमारा क्या, 26800। अब आपको कॉस्ट दे रखा है, इसमें कॉस्ट कितने का है, 5000। तो पैसेंजर किलोमीटर क्या आ जाएगा, कॉस्ट हमारा पर पैसेंजर किलोमीटर, तो 5000 डिवाइडेड बाय 26800, तो 5000 डिवाइडेड बाय 26800, तो ये आ गया 0.186। इसका मतलब यही लिख दो आंसर, क्या दिक्कत है, बुक में 19 पैसा दे रखा है मेरा, ये आ गया, फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए नोट करिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के ही बनेंगे, और बाकी ज्यादा से ज्यादा जो करा था ना स्टैंडिंग रनिंग चार्ज, वो बनते हैं हमारे। कौन से वाला, डिस्टेंस। सबसे पहले देखो, मैं दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार, ध्यान दीजिए। एक बस था और उसको हम लेके जाना है हमें मसूरी तक, बीच में स्टॉपेज भी आएगा, तो हमने 50 पैसेंजर डाला और जाते जाते मसूरी जैसे पहुंचे, यानी 280 किलोमीटर पे पहुंचे, हमने 20 पैसेंजर को उतार दिया, बोला उतरो भाई, तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गया। अब यहां से कितने पैसेंजर लेके चल रहा हूं मैं, 30 लेके चल रहा हूं, और 20 किलोमीटर बाद मसूरी उतार दिया। तो ध्यान से देखा जाए, दिल्ली टू देहरादून तो 50 पैसेंजर लेके चले हैं, लेकिन देहरादून से मसूरी सिर्फ 30 पैसेंजर लेके चले, वो भी 20 किलोमीटर, तो ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ गया। अब वापसी में बात करते हैं, 50 पैसेंजर लेके यहां बिठाया हमने और देहरादून पे कुछ 10 पैसेंजर उतर गए, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो कितने 50 पैसेंजर 20 किलोमीटर चला। अब देहरादून से फिर वापस जब दिल्ली आए तो बाकी सारे पैसेंजर को लेके आए हैं, तो टोटल 50 था, 10 रास्ते में उतर गया, तो कितना लेके चले होंगे वापसी, 40, तो यानी 40, और डिस्टेंस हमारा 280 है। इसको टोटल करके हमने क्या निकाल दिया, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, और खर्चे से डिवाइड कर देंगे तो पर पैसेंजर किलोमीटर कितना कॉस्ट आएगा वो आ गया